हाय एवरीवन, मैं गीता वर्मा, गीता की न्यू रेसिपीज में आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ सबकी फेवरेट दिल्ली की फेमस स्ट्रीट फूड रेसिपी सेव पूरी। ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। जब भी हम लोग मार्केट जाते हैं, अगर ठेली वाला नजर आ जाए सेव पूरी बेचता हुआ, मैं तो बिल्कुल भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। आप में से कितने लोग हैं जिसको सेव पूरी बहुत ज्यादा पसंद है? तो पहले मुझे लगता था इसे बनाना बहुत मुश्किल होता है। जब मैंने इसे घर पे ट्राई किया तो ये इतना इजी था, मैंने सोचा भी नहीं था। बिल्कुल मार्केट स्टाइल सेव पूरी आप घर पे बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बाउल में ले रही हूँ 1 कप मैदा। साथ ही मैं इसके डाल दूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, अब मैं इसमें ऐड करूंगी 4 टेबलस्पून ऑयल। तो फिलहाल मैं अभी 3 कर रही हूँ, 1 मैं बाद में करूंगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो तेल है वो मैदा में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो तेल को अच्छे से मैदा के साथ मिक्स करना है, इस तरह से अच्छे से मसल मसल कर इस तरह से मिक्स कर लीजिए। और जब इसे आप बाइंड करेंगे तो ये कुछ लड्डू की शेप ले लेगा, पर यहाँ पे ये थोड़ा मुझे सूखा हुआ लग रहा है, तो 1 टेबलस्पून मैं इसमें और ऑयल डाल रही हूँ। तो यहाँ पे टोटल मैंने 4 टेबलस्पून इसमें ऑयल डाल दिया है। अब इसे फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मिक्स करना बहुत जरूरी है, अगर अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे, इस तरह से बाइंड करेंगे तो ये लड्डू की शेप ले लेगा। अगर ये बाइंड हो रहा है अच्छे से, इसका मतलब तेल अच्छे से हमने डाला है इसमें, परफेक्ट। और यहाँ पे मैं नॉर्मल पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ, हमें एक मीडियम सॉफ्ट डो तैयार करना है। तो बहुत ज्यादा पानी इसमें नहीं लगेगा, हल्का हल्का पानी ऐड करें और एक मीडियम सॉफ्ट डो तैयार कर लें। देखिए किस तरह से मैं हल्का हल्का पानी ऐड कर रही हूँ, बहुत ज्यादा नहीं करना, नहीं तो आपका जो डो है वो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से हम डो तैयार कर लेंगे। इसे हमें एकदम चिकना करना है। अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल भी चिकना नहीं है, तो इस तरह से मसल मसल कर इसे चिकना कर लेंगे। तो मैं इसे किचन प्लेटफॉर्म पे इसे इस तरह से खींचते हुए चिकना करूंगी। आपने हलवाइयों को भी देखा होगा इस तरह से करते हुए, ऐसा करने से आपकी जो पापड़ी है वो बहुत ज्यादा खस्ता बनेगी। तो इस तरह से थोड़ा से टाइट ही रखें डो को, बहुत ज्यादा सॉफ्ट ना करें, पर इस तरह से जब आप मलेंगे इसे तो एकदम चिकना हो जाएगा और काफी खस्ता आपकी पापड़ी बनेगी। तो यहाँ पे ये देखिए काफी चिकना हो गया है। अब मैं इसकी लोइयां तोड़ूंगी। तो बिल्कुल छोटी छोटी लोइयां आपको तोड़नी है क्योंकि पापड़ी काफी छोटे साइज की होती है। देखिए कितनी छोटी छोटी लोइयां मैं तोड़ रही हूँ। जितनी बड़ी पापड़ी आपको बनानी है उस हिसाब से छोटी छोटी लोइयां तोड़ लें। तो ये देखिए इस तरह से मैंने छोटी छोटी लोइयां तोड़ ली हैं, कितनी जल्दी हो गया ये। और अब इस तरह से हम इसे गोल गोल कर लेंगे, पेड़े तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब इस तरह से हम इसे छोटा छोटा बेल लेंगे, बहुत ज्यादा पतला आपको नहीं बेलना है, थोड़ा मोटा ही रखना है। तो ये बहुत जल्दी हो जाते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता पापड़ी बनाने में। और बहुत लोग तो इस तरह से करते हैं कि काफी बड़ा बेल लेते हैं, उसमें से छोटे छोटे कटिंग कर लेते हैं किसी भी कटोरी से या इस तरह से। तो वो तरीका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से भी कर सकते हैं। अब इनके ऊपर मैं छेद करूंगी। तो यहाँ पे मैंने एक फोक ले लिया है जिससे मैं हल्का हल्का छेद कर दूंगी ताकि जब इन्हें हम फ्राई करें तो ये फूले नहीं। तो इस तरह से मैंने ये सारी पापड़ी तैयार कर ली है, अब इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने तेल मीडियम हॉट कर लिया है और गैस को अब लो और मीडियम के बीच में कर लिया है। तेल आपका अच्छे से तेज गर्म होना चाहिए और फिर गैस को आप लो पे कर दीजिए, लो और मीडियम के बीच में। और इस तरह से मैं सारी पापड़ी डाल दूंगी इसमें। तो एक बार में सारी पापड़ी ना डाले अगर ज्यादा है, यहाँ पे मैंने ज्यादा नहीं बनाई है तो मैं सारे डाल दूंगी। अगर आपको लगे ज्यादा पापड़ी है तो आप 2 से 3 बार में फ्राई कर सकते हैं और गैस को
लो और मीडियम के बीच में कर दीजिएगा। जितना ज्यादा ये टाइम लेंगी फ्राई होने में उतनी ज्यादा ये क्रिस्पी बनेंगी। यहाँ पे इसे मैं थोड़ा सा पलट देती हूँ, एक तरफ से हल्की सी सिक गई है तो हम हल्का हल्का इसे पलट देंगे, ज्यादा जोर नहीं लगाएंगे नहीं तो फिर ये टूट सकती है। तो बिल्कुल हल्के हाथ से इन्हें पलट दें और इन्हें इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर ले। तो यहाँ पे जो पापड़ी है वो हमारी तैयार हो गई है, देखिए कितने अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो इस तरह से सारी पापड़ी मैंने तैयार कर ली है। तो ये देखिए हमारी पापड़ी तैयार हो गई है, इसे मैं आपको दिखाती हूँ कितनी बढ़िया बनी है। तो घर पे आप इस तरह से काफी क्वांटिटी में बना के रख सकते हैं, जब भी आपका ये चाट खाने का मन करे तो आप इसे बना के खा सकते हैं। तो इस तरह से मैं हमेशा बना के रखती हूँ काफी ज्यादा, जब भी बच्चों का मन करता है तो वो खुद बना के खा लेते हैं। तो अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं किस तरह से हमें करना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से पापड़ी लगा ली है, अब इसके ऊपर मैं बारीक कटी हुई प्याज इस तरह से डालूंगी। तो प्याज को आपको बिल्कुल बारीक बारीक काटना है और इस तरह से हम प्याज लगा लेंगे इसके ऊपर। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी ये बारीक कटा हुआ टमाटर। मैंने इसका जो बीज वाला हिस्सा होता है बीज वाला वो निकाल दिया था, सिर्फ साइड का पार्ट मैंने काटा है और बिल्कुल बारीक बारीक पीसेस आपको कट करने हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा इस तरह से टमाटर लगा देंगे। तो आपने मार्केट में भी देखा होगा जो भैया होते हैं वो इस तरह से प्लेटिंग करके हमें देते हैं। अब ये उबला हुआ आलू है बारीक कटा हुआ, ये भी मैं इस पे इस तरह से लगा दूंगी। तो यहाँ पे मैंने आलू भी लगा दिए हैं। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चाट मसाला डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने चाट मसाला डाल दिया। अब मैं इसके ऊपर ये मीठी चटनी डाल रही हूँ लाल वाली, इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। ये बिना इमली बिना गुड़ के चटनी है, बहुत ही टेस्टी लगती है, बिल्कुल मार्केट जैसी। आप इसे सिर्फ 5 मिनट में बना सकते हैं और इसकी जो रेसिपी है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। ये चटनी 5 मिनट में तैयार हो जाती है और महीना 2 महीना आप इसे फ्रिज में रख के स्टोर करके रख सकते हैं। तो मेरे घर में ये हमेशा बनी हुई रखी होती है, मैं बना के रख देती हूँ तो जब भी मेरे बच्चों का चाट खाने का मन करता है वो इस तरह से खुद ही बना लेते हैं। तो अब ये ग्रीन चटनी जो हरे धनिया और पुदीने की होती है वो मैं इस पे ऐड कर रही हूँ। तो ये काफी टेस्टी लगती है, अगर आपने नहीं भी खाई है कभी सेव पूरी तो इस तरह से बनाकर ट्राई कीजिए, मेरी गारंटी है एक बार खाएंगे तो बार बार बनाकर खाना पसंद करेंगे, इतनी टेस्टी लगती है। अब ये मेरे पास नायलॉन सेव है, जो सबसे बारीक वाली भुजिया मिलती है मार्केट में ये वो वाली है। तो ये हम थोड़ी थोड़ी इस तरह से ऊपर से डाल देंगे। तो इजीली मिल जाती है ये मार्केट में, और नहीं भी मिलती है आपको तो आप सिंपल जो बेसन भुजिया होती है या आलू भुजिया होती है वो भी डाल सकते हैं अगर आपके पास ये नहीं है। अब इसके ऊपर मैं डालूंगी अनारदाना, क्योंकि हम इसे बिल्कुल मार्केट स्टाइल में बना रहे हैं तो अनारदाना थोड़ा सा डाल देंगे। तो जो मार्केट वाले भैया होते हैं वो इसी तरह से हमें इसे सर्व करके देते हैं और इतनी महंगी मिलती है ये प्लेट। आई थिंक मैं जब मार्केट जाती हूँ तो ये 60 रुपए की प्लेट होती है, उसमें मेरे ख्याल से 6 पीसेस होते हैं, 6 से 7 पीस होते हैं। आप इसे जब घर पे बनाएंगे तो ये इतना सस्ता पड़ने वाला है कि बस पूछो मत। आप इसे डेली बना के खाएंगे और सस्ता बहुत ज्यादा पड़ता है, इतना महंगा आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए हमारी बिल्कुल मार्केट स्टाइल सेव पूरी तैयार हो गई है। लिख के बताइएगा रेसिपी कैसी लगी, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर क्लिक करें।